दांथल स्कूल भवन का आधा हिस्सा मालूम में दबने के बावजूद विभाग व प्रशासन को बच्चों की जान की परवाह नहीं। SDM व एक्शन संगड़ा के अलावा स्थानीय विधायक व DC सिरमौर से भी कई बार स्कूल को बचाने की गुहार लगा चुके हैं ग्रामीण। 2019 से जारी है बारिश के दौरान स्कूल भवन पर PWD की सड़क से मलबा आने का सिलसिला, लैंडस्लाइड व सड़क से आए मलबे की चपेट में आ चुके हैं स्कूल के किचन, टॉयलेट व एक कमरा। आज हुई तेज बारिश के दौरान एक बार फिर स्कूल के किचन शेड से निकला झरना। खंड शिक्षा अधिकारी संगड़ा के अनुसार स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए विभाग व सरकार नहीं कर रही है किराए का प्रावधान। SDM संगड़ा ने PWD को दिए स्कूल परिसर में जमा हुए मलबा हटाने के निर्देश। खतरे की जद में आ चुके स्कूल भवन की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा शिक्षा विभाग, PWD अथवा प्रशासन का कोई भी अधिकारी। ये देखिए राजकीय प्रारंभिक पाठशाला दांथल, किचन शेड के अंदर से पानी, ये हालत है स्कूल की। ये स्कूल कभी भी गिर सकता है, आप देख सकते हैं स्कूल की हालत। ये देखिए जैसे एक पूरा खड इसके अंदर से आ गया हो। आरंभिक शिक्षा खंड संगड़ा के अंतर्गत आने वाले दांथल स्कूल भवन का आधा हिस्सा मलबे की चपेट में आने के बावजूद शिक्षा विभाग, प्रशासन व PWD डिपार्टमेंट को यहां पढ़ने वाले 23 नन्हे बच्चों की जान की चिंता नहीं है। स्थानीय अभिभावकों व शिक्षकों ने बताया कि वर्ष 2018 में PWD द्वारा यहां करीब 2 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क के लिए खुदाई तो की गई, मगर निचली तरफ मौजूद स्कूल की सुरक्षा के लिए रिटेनिंग वॉल व डंगा नहीं लगाया गया, जिसके चलते तेज बारिश होने पर बार बार भारी मात्रा में पानी व मलबा स्कूल कैंपस पर गिर रहा है। अब तक मलबे की चपेट में स्कूल के किचन के अलावा टॉयलेट व एक अन्य कमरा भी आ चुका है, और इसके बावजूद 2 अन्य कमरों में प्राइमरी व प्री प्राइमरी के नन्हे छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज सुबह हुई बारिश के दौरान टूट चुकी किचन शेड की छत पर गिरने वाला पानी व मलबा इसके दरवाजे से झरने की तरह लगातार काफी देर तक निकलता रहा, और शिक्षकों व यहाँ मौजूद मिड डे मील वर्कर को पढ़ाई छोड़ बच्चों को बचाने की चिंता सताने लगी। स्कूल के SMC पदाधिकारियों व अभिभावकों ने बताया कि 2019 से अब तक कई बार वह मलबे से स्कूल व उनके बच्चों की जान बचाने के लिए PWD के एक्शन संगड़ा, SDM संगड़ा व DC सिरमौर तथा स्थानीय विधायक से गुहार लगा चुके हैं, मगर लिखित शिकायतों के बावजूद अब तक बचाव का कोई भी उपाय नहीं किया गया। विडम्बना यह भी है कि स्कूल बिल्डिंग का आधा हिस्सा मलबे की चपेट में आने के बावजूद ना तो बच्चों को यहां से शिफ्ट किया गया, और ना ही शिक्षा विभाग, प्रशासन व PWD का कोई संबंधित अधिकारी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बावजूद घटनास्थल के विजिट के लिए नहीं पहुंचा। खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी संगड़ा जोगिंदर पुंडीर ने कहा कि शिक्षा विभाग व सरकार द्वारा स्कूल को किसी निजी भवन में शिफ्ट करने के लिए किराया नहीं दिया जाता है, और यदि निशुल्क कोई कमरे उपलब्ध करवा दे तो बच्चों की कक्षाएं वहां लग सकती है। स्कूल का निरीक्षण किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में बच्चों व स्कूल की देखरेख SMC द्वारा की जाती है। SDM संग्रह सुनील कायस्थ ने कहा कि PWD के स्थानीय SDO को स्कूल भवन पर गिरा मलबा हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं, और भूस्खलन से स्कूल भवन को हुए नुकसान के वजह में बजट लेने के लिए शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों को उपायुक्त सिरमौर के पास आवेदन करना होगा। बहरहाल ग्रामीणों अथवा SMC पदाधिकारियों द्वारा PWD के एक्शन संग्रह, स्थानीय SDM, विधायक व DC सिरमौर आदि से पिछले 4 साल से लगातार गुहार लगाए जाने के बावजूद अब तक यहां स्कूल व बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई, और सरकार, विभाग व प्रशासन की संवेदनहीनता के प्रति अभिभावकों में नाराजगी है। मैं यशपाल ठाकुर, प्रभारी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दांथल, जो हमारा ये है जिसकी आप हालत देख सकते हो कि जिसका 2019 से लेकर अब तक कोई सूद लेने वाला नहीं है। बहुत दुर्भाग्य है स्कूल का कि जब से लेकर स्कूल बनाए, पहले तो ये डेपुटेशन के सहारे था, अब मैं 2018 से सिंगल टीचर यहाँ पे कार्यरत हूँ। उसके पश्चात क्या होता है कि 2018-19 में एक रोड जो कि अंधेरी से बढ़वाना के लिए बन रहा है, स्कूल प्रशासन के बार बार मना करने के बावजूद भी हमारे CST को हमने यहाँ पे बुलाया था, BPO साहब के बार बार मना करने के बावजूद भी लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई की और इस सड़क निर्माण कार्य को अंजाम दिया। हालांकि अभी भी निर्माणाधीन है, लेकिन अभी तक ये बन नहीं पाया पूरा, लेकिन इस कार्य की वजह से, PWD के इस मनमाने कार्य की वजह से आज इस स्कूल को ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि अब ये स्कूल गिरने की कगार पर है। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, ये बहुत अनसेफ बिल्डिंग है। इसकी जानकारी
हमने कईयों बार पत्राचार के माध्यम से एसएमसी ने खुद जा करके एक्सियन पीडब्ल्यूडी को संग्रह को कम से कम को 4-5 बार खुद जा करके दे दिए। एसडीएम साहब को हमने बहुत बारी 2019-20-21-22 में कंटिन्यू हमने कॉरेस्पॉन्डेंस किया इसके बारे में। पिछले साल ही हमने डीसी साहब से इस बारे में मुलाकात की थी। एसएमसी का यहाँ से प्रतिनिधिमंडल गया था नीचे उनसे मिलने, उन्होंने भी मात्र आश्वासन दिया कुछ नहीं हुआ, आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास पहली से पाँचवीं तक 17 बच्चे और 7 बच्चे हमारे पास प्री प्राइमरी यानी केजी और नर्सरी क्लासेज में पढ़ते हैं। इनके बच्चों के जान को खतरा है। यहाँ पे पढ़ाने वाले अध्यापकों को गैर सरकार दे जो दो दूसरे कर्मी हैं हमारे उनको खतरा है जो यहाँ पे काम करते हैं, पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर है, एमडीएम वर्कर है और दूसरे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी जान को खतरा है। अभी तक कोई सूद लेने वाला नहीं है। हमने प्रधान के माध्यम से भी, जो यहाँ के प्रधान है ग्राम पंचायत अंधेरी का ये एरिया पड़ता है, दांतल यहाँ का नाम है, हमने प्रधान के माध्यम से भी वार्ड मेंबर के माध्यम से भी सरकार को भी सूचित किया है। विधायक मोदी जी से वो मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक इस स्कूल की क्षतिपूर्ति के लिए देख सकते हो किचन सेट हमारा खत्म हो चुका है, ये बिल्डिंग बिल्कुल गिरने की कगार पर है, लेकिन अभी तक कोई भी इस बाबत जो है सरकार ने, प्रशासन ने, लोक निर्माण विभाग ने खासतौर पर कोई भी क्षतिपूर्ति ना हमें दिए और ना ही कोई ऐसा इंतज़ाम किया है कि बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे सेफ रखा जाए, इस बिल्डिंग को बचाने का कुछ प्रयास किया जाए। इस सड़क के माध्यम से जो कि सड़क बन रही है, इस सड़क की वजह से इसका मैया मेट हो गया है। हमारे किचन शेड के साथ साथ हमारे पानी के टैंक, ये स्कूल के बच्चों के टॉयलेट्स, ये हमारी टैंकियाँ, पानी की टैंकियाँ सब बर्बाद हो चुके हैं। इसकी स्कूल की कोई सूद लेने वाला नहीं है और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को रखना खतरे से खाली नहीं है। आने वाले समय में किसी प्रकार की भी अगर अनहोनी होती है, इसके लिए लोक निर्माण विभाग पूरी तरह से जिम्मेवार होगा और प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार होगा, ये हम पहले आपको बताना चाहते हैं। रसोई घर, ये रसोई घर है लगता है आपको, राजकीय प्रारंभिक पाठशाला दानथल का रसोई घर, ये देख लीजिए आप। आपने स्कूल के किचन शेड देखे होंगे तो आप एक किचन शेड ये वाला भी देख लीजिए। इस पूरे कारनामे के लिए पीडब्ल्यूडी को तहे दिल से धन्यवाद कि इन्होंने हमारे स्कूल को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बिल्डिंग ये भी अपनी अंतिम कगार पर गिरने की, और ये जो रसोई घर है तो बेचारा खत्म हो चुका है। ये देखिए राजकीय प्रारंभिक पाठशाला दानथल, किचन शेड के अंदर से पानी, ये हालत है स्कूल की। ये स्कूल कभी भी गिर सकता है, आप देख सकते हैं स्कूल की हालत, ये देखिए जैसे एक पूरा खड्ड इसके अंदर से आ गया हो। ऐसे हालात में भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बच्चे बुलाना, उधर बच्चे बुलाओ यहाँ। ये देखिए, ये है हमारे स्कूल की हालत जो कि पीडब्ल्यूडी की वजह से हुई है।